हेलो फ्रेंड्स, स्टेप एजुकेशन हब आपके लिए लेकर आ गया है साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास टेंथ के एग्ज़ाम आने वाले हैं 5 फरवरी से। एमपी बोर्ड के क्लास टेंथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत ज़रूरत है 5 फरवरी से, जो पेपर हैं क्लास टेंथ के। तो देखते हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम तुरंत आपके लिए लेकर आते हैं, कोई भी समय ज़्यादा नहीं लेंगे हम आपका। तो चलिए देखते हैं हमारे साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि आपके सामने हैं। क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम्स 2024 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट साइंस है आपका एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, तीनों के आपके सामने क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये बताना होगा। रासायनिक इक्वेशन यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण क्या है आपका, वो बताना होगा। कैसे उसको बैलेंस किया जाता है, संतुलित कैसे किया जाता है, डिफाइन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद दिया गया है व्हाट इज़ कम्बाइंड रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं यानी कि संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद आपका डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलकर बनते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया आपके 10वें नंबर पर है। उसके बाद आप देखेंगे जिसमें हीट एग्जिट कर जाती है वहाँ एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट एंटर कर जाती है वहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनके भी आपको एग्जाम्पल याद करने होंगे सभी रिएक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। उसके बाद हम देखें लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। ओके, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो क्वेश्चन है ये। डिफरेंस बिटवीन द कोरोजन एंड रस्टिंग, तो आप बताना होगा आपको कि आपके संक्षारण में और आपकी रस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आपकी रेंसिडिटी क्या है, विकृत गंधता किसे कहते हैं, वो क्वेश्चन है आपका। वाई डू वी फ्लज्ड ऑयली फूड आइटम्स विथ नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन क्यों भरते हैं ऑयली फूड में, जैसे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर के आता है तो क्यों आता है, ये हमें आंसर करना होगा उसमें। ओके, एंड वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर, 17वें नंबर पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड, तो क्यों किया जाता है, हमें ये बताना होगा कि मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ओके, क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, वो जैसा कि आपको पता ही है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, सभी को पता है कि मतलब लोहे की चीज़ों पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो हम क्यों करते हैं, ताकि उनमें जंग ना लगे। ओके, टू प्रिवेंट रस्टिंग इसका आंसर होगा। फिर भी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे ढंग से 2 नंबर में 3 नंबर में तैयार करने होंगे। वाई इज़ रेस्पायरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बताना होगा कि हम जो सांस लेते हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्यों हम कंसिडर करते हैं। वाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट, जुगनू रातों को क्यों चमकते हैं, ये आपका 20वां क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन जो आपका आता है, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस डू नॉट टू बी कैप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, यानी कि दही जैसे पदार्थों को, खट्टे पदार्थों को हम पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखते, जहरीला पदार्थ बन जाता है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है, पॉइजनस एक सब्सटेंस बन जाता है इस वजह से। अगला क्वेश्चन, विच गैस अस यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल एंड इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, ये हाइड्रोजन गैस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन आपको ये सारा क्वेश्चन जो पूरा मटेरियल है आपको अच्छे ढंग से इसको प्रिपेयर करना होगा। ओके, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको जलीय विलयन जो है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्यों, ये आपको बताना होगा। ओके, ड्राई तो करेंगे नहीं। ओके, एंड देखिए, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, यानी कि अगर ड्राई शुष्क आपकी हाइड्रोक्लोरिक गैस होगी, ओके, या एसिड होगा, यहाँ पर एसिड होना चाहिए मेरे हिसाब से, गैस ना होके, HCl एसिड नॉट चेंज द कलर, ऐसे करके होगा यहाँ पर। ओके, एंड राइट द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ में रिएक्शन करी जाए, 25 नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर रिएक्शन करा जाए इनमें तो क्या बनेगा, तो जिप्सम बनेगा, ये आपको लिखना होगा, CSO4 है ना, वो वाला आपका होगा CSO4 into 1 upon 2 H2O, ये आपका फार्मूला है। उसके साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स आप मिलाएंगे तो इस तरीके से आपका जो भी बन के तैयार होगा वो आपको बताना होगा। हाउ लिटमस पेपर रिएक्ट विद एसिड, लिटमस पेपर अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये आपको बताना होगा। 27 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज अ रेन वाटर डज, यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो हमारे घरों में पीने का पानी आता है, फिल्टर वाटर जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन वेयर द रेन वाटर डज, और रेन वाटर होता है, तो ये आपको बताना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, यानी कि जहाँ पर नमी ना हो वहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों रखते हैं, सीधी सी बात है, वो नमी अगर पकड़ेगा तो ठोस हो जाएगा, ये आपको बताना होगा, अपने पूरे लैंग्वेज में आंसर तैयार करना होगा आपको।
राइट द टू यूजेज ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, इनके सभी के दो दो यूज़ बताने होंगे, वैसे तो अगर आप चाहें तो इनके रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम, इनके जो भी हों, इनके केमिकल फार्मूला बिल्कुल याद कर कर जाएँ, फार्मूले याद कर कर जाएँ, वॉटसन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP. ओके, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर एसिड्स बेस्ड बेसिस एंड एल्कालीज, इनके एग्जाम्पल ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, ठीक है ये आपको बताना होगा. व्हाट डू यू मीन बाय पीएच स्केल, पीएच पैमाना क्या है, क्लोरो एल्काली रिएक्शंस किसे कहते हैं. उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन 34 नंबर पर आता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, तो ये आपको बताना होगा. अगला है आपका, राइट द केमिकल ऑफ केमिकल नेम, यहाँ पर नेम आना चाहिए, राइट द केमिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये इन सबके बताने हैं आपको, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा. इस क्वेश्चन की हम बात पहले ही कर चुके हैं. वाई सोडियम कैप्ट इमर्ज्ड इन द केरोसिन ऑयल, यानी कि हम सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, अगर वो बाहर आएगा तो क्रिया कर लेगा हवा से, यानी कि आपके जो बाहर का एटमोसफियर है उसमें जो हवा है उससे रिएक्ट करके कुछ ना कुछ जली पदार्थ, ऐसा पदार्थ बना लेगा कि वो रिएक्ट कर जाएगा और ब्लास्ट भी हो सकता है, इस वजह से इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं. वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि आपके आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक हैं, वो बहुत उच्च क्यों होते हैं, तो ये आपको बताना होगा. यहाँ पर डिफाइन द फॉलोइंग मिनरल्स, ओर एंड गैंगी, इनके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. 39 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्या होते हैं, ये आपको बताना होगा. थोड़ा सा शादी का सीज़न है इसलिए बाहर से पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, बट क्या करें, वीडियो तो आपको देना है जल्दी से. ओके, नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, इसके बारे में आपको बताना है, कौन से दो तरीके हैं जिससे हम लोहे में जंग लगने से बचा सकते हैं. ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो आप बड़े जल्दी जल्दी याद कर सकते हो, है ना, क्विक रिवीजन के लिए. देखिए, मैं पास होने वालों के लिए भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ कि अगर आप नॉर्मल तरीके से भी ये क्वेश्चन के आंसर देंगे ना, तो चेकर आपका चेक करके आपको नंबर जरूर देगा. ओके, तो कुछ ना कुछ तो लिख के ही आना है. 41 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है, डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल्स, व्हाट इज सोनोरस. 43, व्हाट इज एनोड मड, एनोड मड क्या है, ठीक है. इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपीज क्या हैं, टू राइट टू मेन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के दो एलोट्रॉप्स लिखने हैं. डिफाइन गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन क्या होता है, व्हाट आर अमलगम्स, अमलगम क्या है. 47 नंबर पर आता है आपका, राइट फाइव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की पाँच फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बतानी होंगी. ओके, उसके बाद आता है आपका, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, इनके डॉट स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं. ओके, अगर मैं ये बताता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपका पूरा क्विक रिविजन हो जाने वाला है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे तो वो तो इनमें से ही बनने वाले हैं, तो वो सारा आपको आ जाने वाला है. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर जो बनाना है वो आपको सल्फर, साइक्लोपेंटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉइक एसिड के बारे में आपको बनाना होगा. 49 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, ब्रोमोपेंटेन एंड एथेनॉइक एसिड. ओके, 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन द हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप. आप ही बताइए अब कि जब हम पानी में, जब हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल होता है हमारे पास, ठीक है, या हम कहें खारा पानी होता है जब, तो उसमें जब हम साबुन घोलते हैं तो ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, फटी फटी सी, अजीब से स्कम जम जाता है, तो उसके बारे में बताना है यहाँ पर. व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बंध क्या है, ठीक है. इसके बाद आपको बताना है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, उसके एग्जाम्पल देने हैं. आपको पता ही है एल्कीन, एल्केन, एल्काइन्स, किसी के भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. ओके, CH4, C2H6, ऐसे करके आपको एग्जाम्पल दे देना है. व्हाट आर द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपको बताना होगा. उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द एल्काली, एल्कीन्स, एल्केन्स एंड एल्काइन्स, उनके फॉर्मूले आप बता सकते हैं, CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2, या उनके फॉर्मूले होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म, ये आपको बताने होंगे. एंड व्हाई डिटर्जेंट आर बेटर क्लेंजिंग एजेंट देन सोप, यानी सोप से ज़्यादा हम डिटर्जेंट पाउडर क्यों यूज़ करते हैं, मतलब क्यों हम रिन के साबुन से ज़्यादा हम सीधा व्हील में और टाइड में कपड़े धोना जो है वो ज़्यादा उचित समझते हैं, ये आपको यहाँ बताना होगा. राइट द डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट ये डिफरेंस तो आप कर ही लीजिए, ठीक है, ये मान के चलिए कि डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको करके ही चलने हैं सारे के सारे. राइट ओनली वन एग्जांपल ऑफ द ईच फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है, बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन आप फिर भी इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. राइट द नेम्स एंड फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फर्स्ट फोर हाइड्रोकार्बन, आपको फर्स्ट फोर हाइड्रोकार्बन का जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी रख दीजिए, CH4, C2H6, C3H8, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप बना देंगे. ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपको कोई फार्मूला के लेके आपको कुछ देखना है, तो आपको बता दूं, आप इस तरीके से मतलब C और ये चारों साइड का बॉन्ड बना के आप
और यहाँ पे ये एच, और यहाँ एच, यहाँ एच, एंड यहाँ एच, ऐसे करके आप बना सकते हैं इसको पूरा, है ना। तो आप ये पूरा देख सकते हैं। ओके चलिए मैं इसको हटाता हूँ, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं, वॉट इज हाइड्रोजनेशन एंड वॉट आर इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ये क्वेश्चन हो गया आपका। वॉट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल इज इन अवर स्टमक, ये आपको देखना होगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शन होता है, वो आपको बनाना होगा। नेफ्रॉन का थैला, डायलिसिस का थैला, ऐसा कुछ है ना, वो आपको बनाना होगा। वॉट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, आपका जो लार होती है, मुंह में जो लार होती है, उसका फूड में क्या यूज़ होता है। तो वो लार भोजन को पचाने में, जैसे आप जानते हैं ना कि आपकी बाइक में जो इंजन ऑयल होता है वो बाइक के पुर्जों को अच्छा रखता है, तो ऐसे ही फूड जो है वो बड़े स्मूथली हमारी बॉडी में चला जाता है इसकी वजह से। वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ये जो होगा आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। आप देखते जाइएगा चैप्टर के अकॉर्डिंग, किसी किसी की हिंदी मतलब एकदम से मुझे नहीं याद आएगी, तो उसमें आप थोड़ा देख लीजिएगा। रेस्पायरेशन यानी श्वसन के बारे में है, ठीक है। वायवीय और अवायवीय श्वसन शायद ये क्वेश्चन है, तो यही वही है। ओके, वाई डू फिशेज डाई वेन टेक आउट ऑफ द वाटर, तो भैया आपको ये भी पता है, बचपन से याद करते चले आ रहे हो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि अगर बाहर निकाल दोगे तो क्यों मर जाएगी, आज ये बताना है आपको। आप बड़े हो गए तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों मर जाती है, ठीक है। वॉट वुड हैपन इफ़ ऑल ग्रीन प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम अर्थ, यानी कि अगर सारे ग्रीन प्लांट्स धरती से हट जाए तो क्या होगा, गायब हो जाए, ठीक है। सीधी सी बात है, खाना ही नहीं मेरे बनेगा, है ना, प्राइमरी रिसोर्स ही खत्म हो जाएगा। वॉट विल हैपन इफ़ प्लेटलेट्स वर एबसेंट इन ब्लड, अगर हमारी प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड में से चली जाएँ। आपने देखा होगा अभी कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा परेशानी आती है कि हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसका बताना पड़ेगा आपको, अगर ये पूरी हट जाएँ तो क्या होगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन्स, धमनी और सिराओं में डिफरेंस बताइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, आपको याद होगा थोड़ा सा कुछ भोजन खाया, साइड में आया, चारों तरफ से कवर किया और फिर उसको ले लिया। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बताना, उसका इक्वेशन भी लिखना होगा आपको यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग, आपको प्रोसेस बतानी है कि डाइजेशन कैसे होता है, कैसे हमारे मतलब फूड पाइप से लेके अंदर जाता है, लीवर में लीवर का क्या रोल है, एंड व्हाट इज इट, मतलब आपके हिंदी में कहा जाए अग्नाशय अमाशय सभी का क्या रोल है, छोटी आँत बड़ी आँत स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपका लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरीके का होता है, ठीक है। आपका गॉल ब्लैडर का क्या रोल है यहाँ पर, गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, पित्त की थैली जैसे बोलते हैं, जिसमें लोगों को पथरी हो जाती है, स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर ये पूरा जो प्रोसेस है पूरा आपको दिखाना होगा कि डाइजेशन कैसे होता है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम, अब आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन एक्जिटरी सिस्टम एंड ह्यूमन हार्ट, इनके डायग्राम बना के बिल्कुल आपको चेक कर लेने। वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। जाइलम, जाइलम जल, वो जल ले जाती हैं पौधों में, और फ्लोएम, फ्लोएम आपके फूड, खाना जो है वो उनको भेजने का काम फ्लोएम का होता है। ओके, ब्लड एंड लिम्फ, यानी कि इसको लसिका, रक्त और लसिका के बारे में आपको डिफरेंस बताने हैं, अंतर बताने हैं। वॉट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ये आपको बताना है कि हमारे दिमाग का क्या प्रतिवर्ती क्रिया में हमारे दिमाग का क्या रोल होता है, क्या मतलब क्या रोल प्ले करता है वो। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, प्रतिवर्ती क्रिया, और आपके जो जैसे हमें होता है ना कि हम गर्म चाय छू लेते हैं तो अचानक से हमें एहसास हो जाता है, ये पूरा सिस्टम न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। ओके, तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ये क्या है, इसके टू फंक्शंस बताइए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया को आपको समझाना होगा। व्हाट विल हैपन इफ़ इनटेक ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट इज़ लो, आपको बताना होगा कि व्हाट विल हैपन, अगर क्या होगा, इनटेक ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट इज़ लो, अगर आयोडीन कम हो जाए तो गेंगा रोग हो जाएगा, सभी को पता है, गटर हो जाएगा। ओके, राइट द नेम्स एंड द फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपको नेम और फंक्शन बताने होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। ओके, वॉट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पार्ट बताने होंगे, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ये सारे आपको पार्ट बताने होंगे। ओके, मेंशन द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, सभी के फंक्शन ये करके चलिएगा, इतना इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, लेकिन पार्ट्स में पूछ लेते हैं कभी कभी, ये नाम पूछ लेते हैं ना, वैसे आप समझ रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए, लेकिन ये जो पूरा है ना सिस्टम, ये उनके लिए है जो मतलब अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और क्विक रिवीजन करना है जिनको, और जो पूरा साल पढ़े हैं बट लास्ट टाइम समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा है, तो आप इनसे रिवीजन कर सकते हो, है ना। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का लेबल डायग्राम बनाना है आपको, ब्रेन का डायग्राम बनाना है आपको। देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन,
ठीक है, तो ये आपको बताना होगा कि इम्पोर्टेंस क्या है डीएनए की, रिप्रोडक्शन में उनको कॉपी करने का क्या कैसा है, मतलब आपने देखा होगा ना टीवी सीरियल में कि कौन किसका बेटा है, ये पता लगाने के लिए लोग डीएनए टेस्ट करवाते हैं, तो ये वही प्रोसेस है। व्हाट इज बाइनरी फिजन, ठीक है, ये आपको बताना होगा। द्विखंडन क्या है और बहुखंडन विधि क्या है, मल्टीपल फिजन। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस ऑकर, यानी मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस जो होती है आपने सुना होगा, इसे कॉमन भाषा में पीरियड्स कहते हैं, तो ये लेडीज़ में यानी कि आपकी लड़कियों में एंड फीमेल्स में जो भी हैं उनमें क्यों होती है मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम। मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्रोसेस है, तो ये क्यों होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बारे में आप पढ़िए। शायद कुछ लोगों के जो मिथ्स हैं या एक गांव वाली सोच है, ग्रामीण सोच के साथ में लोग कई सारी चीज़ें इसके साथ हैं, तो आप इसके बारे में जानें, साइंटिफिकली आप जान जाएंगे तो इसके बारे में आप सही जानकारी दे पाएंगे लोगों को। बायो रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर ऑल स्पीसीज, सीधी सी बात है, जब आगे जनरेशन पैदा ही नहीं होगी तो फिर लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, ज़माना आगे कैसे बढ़ेगा, दुनिया कैसे चलेगी, तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है ये आपको बताना है। प्रजनन क्यों आवश्यक है, ठीक है। व्हाई आर द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये आपको एक अंतर बताना है प्रजनन के बारे में, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन जैसे बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में आपको बताना है, व्हाट इज बडिंग, बडिंग क्या होती है, रीजनरेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, ये कुछ मेन मेन है, ये दो दो नंबर में आपके पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज स्पोरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये आपको बताना है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, आपको ये भी बताना होगा। डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल आपको बताना है, ठीक है, बड़ा सिंपल है, फ्लावर का बताइए, और या तो फिर आप जानते हैं हिबिस्कस का फूल होता है, गुड़हल का फूल होता है, वो आप देख सकते हैं। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, और जो लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तैयारी करके चल रहे हैं वो मत करें, क्योंकि कभी पूछा नहीं गया है और शायद ही अब पूछा जाए, तो इसलिए ये आप तैयार कर लीजिएगा। फीमेल वाला, मेल वाला नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था बहुत टाइम पहले, लेकिन अब तो नहीं पूछा जाता है। व्हाट इज़ हेरिडिटी, क्या है हेरिडिटी, व्हाट आर जेनेटिक्स, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होंगे आपको हेरिडिटी के, एंड व्हाट आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स, डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये आपको बताना होगा। व्हाट आर द रिसेसिव कैरेक्टर्स, क्या है मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रेशन जैसे बोलते हैं। ओके, मेंडल का लॉ बताना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सॉरी, एंड व्हाट आर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं जो हमारे, उनके बारे में आपको बताना है, फंक्शंस बताने, इंपॉर्टेंस बतानी है इसकी। राइट द रीजंस बाय मेंडल चूज द पी प्लांट, यानी मटर के पौधे को क्यों चुना है उन्होंने, ये बताना होगा। एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विथ डायग्राम, तो ये आपको बताना होगा कि मेंडल के लॉ का सेग्रीगेशन का डायग्राम बनाना होगा। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, अब लाइट वाले, अब मिरर वाले चैप्टर में आ गए अपन, है ना, फिजिक्स में अब एंटर कर गए हैं। तो व्हाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, तो हम कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज उसमें गाड़ियाँ थोड़ा आगे को दिखाई देती हैं, है ना। व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन कॉल्ड, मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज़ इट्स यूनिट, एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विथ रे डायग्राम, उसके बाद है आपका एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विथ द हेल्प ऑफ रे डायग्राम थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेके आपको दिखाना होगा कि कैसे क्या होता है, तो ये आपको बताना होगा। राइट द टू यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, दो दो यूज़ बताने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको ये याद रखने होंगे। व्हाट इज़ बाई कन्वेक्स लेंस कॉल्ड, ये क्या है। व्हाट इज़ कन्वर्जिंग लेंस, क्या है वो बताना होगा। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकलिंग एट नाइट, रात में तारे क्यों चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसका एक डायग्राम है छोटा सा, एक लड़का खड़ा कर दीजिए अर्थ के ऊपर, स्टार्स को दूर से दिखा दीजिए, एक थोड़ा नीचे बना दीजिए और दोनों की तरफ लाइन कर दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, एक ऐसे कर्व होकर लाइन जाएगी आपकी। ओके, जो लोग पढ़े होंगे साल भर उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और मैं वीडियो फास्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, आप जल्दी जल्दी वीडियो देखें और जल्दी से अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर लग जाएं। ओके, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, आपको बताना होगा प्लैनेट क्यों नहीं चमकते हैं, तारे ही क्यों चमकते दिखाई देते हैं, क्योंकि तारे दूर होते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर से काफ़ी दूर आते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हमें ये तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ओके, चलिए आगे देखें। व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट इंस्टेड ऑफ ब्लू, सीधी सी बात है, अब अगर एस्ट्रोनॉट अगर पृथ्वी के बाहर चला जाएगा तो उसको ब्लू तो दिखाई नहीं देगा, तो उसको डार्क दिखाई देता है, ब्लैक या डार्क ब्लू, डार्क ब्लैक दिखाई देता है, डार्क ब्लू दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों है, उसका रीज़न आप देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये रीज़न आ गया, इसके एग्जांपल आप पहले ही देख चुके हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रम, व्हाई इज़ द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, कलर आसमान नीला क्यों है, छोटे छोटे बच्चों के क्वेश्चन हुआ करते थे, अब आपको इसके आंसर मिल चुके हैं, तो आप जानिए इनके आंसर, आप बहुत ही अच्छी चीज़ जान रहे हैं। डिफाइन द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट विद अ लेबल डायग्राम,
ये बताना होगा आपको, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बताना होगा। एक प्रिज्म बना दीजिए, उसकी वाइट लाइट को निकाल के सात रंगों में विप ग्योर वह जानी हपी नाला बैगनी जामनी नीला हरा पीला जो भी है और लाल, इनकी सबको दिखाना होगा आपको। ह्यूमन आई का डायग्राम आपको बनाना होगा। वैन डू वी कंसिडर अ पर्सन टू बी अ मायोपिक एंड हाइपर मेट्रोपिक, ये आपको बताना होगा कब होता है उसको, मतलब आपको ये बताना होगा दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष कब होता है। देखिए हिंदी मीडियम वालों को बड़ा अच्छा टॉपिक मैं याद कराऊँ, निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट का तो दिखाई देता है दूर का दिखाई नहीं देता, दूर दृष्टि दोष जिसमें लोगों को दूर का तो दिखाई देता है पास का दिखाई नहीं देता है ना, सिंपल बस ये रट लीजिए। दूर दृष्टि दोष दूर का दिखाई दे रहा है पास का नहीं दिख रहा, निकट दृष्टि दोष निकट का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा, उल्टा है जस्ट। What is the reason behind the advanced sunrise and delayed sunset? आपको ये reason बताना होगा, same process है, तारे हमें ऐसे टिमटिमाते दिखाई दे रहे हैं प्लस हमें तिरछे दिखाई दे रहे हैं, ये डायग्राम आप बनाओगे ना जो मैंने बताया था आपको, अर्थ के ऊपर एक लड़का खड़ा कर दीजिए और उसको ऐसे बता दीजिए कि सन स्ट्रेट में दिख रहा है लेकिन सन है नीचे, ओके। Why does an electric circuit mean? क्या होता है, what does, बता दीजिए। On what factors does the resistance on the conductor depend? Resistance जो होता है, जो आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये आपको बताना है। व्हाट राइट इट्स एसआई यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मीन है आपको बताना होगा। इसकी यूनिट भी लिखनी होगी, यूनिट ध्यान रखिएगा। देखिए एक एक यूनिट में नंबर कट जाएंगे, अगर आपका कोई इक्वेशन कोई फॉर्मूला कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, सम आता है कोई साइंस का, तो उसमें यूनिट का बहुत ध्यान रखना है आपको, ओके। छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं लेकिन आपको यूनिट का ध्यान रखना है। P इज इक्वल टू आई आई आर, ये आपको ध्यान रखना है। राइट द ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ से आपका फॉर्मूला याद करेंगे ना आप, तो कुछ क्वेश्चन एक आध अगर आएगा भी तो ओम्स लॉ से आ जाएगा। डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स यूनिट। व्हाट डज यूज ऑफ अ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, वाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग, ड्रॉ मैग्नेट फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, एंड वाई डज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, स्ट्रेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल एंड राइट हैंड थम रूल, ओके। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, इसकी नेसेसिटी क्या है वो बताना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज, व्हाई इज इट यूज्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है और इसका यूज़ क्या है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आप जानते हैं, सभी लोग अपने बोर्ड में फ्यूज़ लगा रहता है, जो हमारे कमरे की लाइट होती है उसमें फ्यूज़ होता है, अगर आप उस फ्यूज़ का तार बेकार हो जाए जल जाए तो पूरे कमरे की लाइट चली जाती है ना, तो उसका क्या यूज़ है कि अगर अचानक से लोड बढ़ेगा तो वो तार जल जाएगा, ये उसका यूज़ है। लेवल डायग्राम बनाना है आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है। Why are some substance biodegradable and non biodegradable? ये बताना है आपको। What is ozone and how does it affect any ecosystem? What will happen if we kill the organisms in one tropical level? एक tropical level के organism ही खत्म कर देंगे तो क्या होगा, system ही बिगड़ जाएगा कोई भी अगर खत्म हो गया तो, है ना, अगर producer consumer कोई भी अगर एक खत्म हो जाता है तो system बिगड़ जाएगा फिर। Explain greenhouse effect को आपको बताना है। What is ecosystem, है ना, इकोसिस्टम क्या है, हमारे आसपास का वातावरण क्या है ये आपको बताना है। गिव एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये आपको दोनों के आंसर देने होंगे। राइट ओनली नेम्स ऑफ द वेरियस ट्रॉपिकल लेवल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड चेन इन एनी वन इकोसिस्टम, किसी भी एक इकोसिस्टम में है, ठीक है, आपको जैव प्रक्रम में आपको ये बताना होगा कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जैव जो हैं, जीव जो हैं एक लेवल के, वो एक स्तर के जीव जो हैं वो, उनके बारे में बताना है आपको, उनके नाम भर लिखने हैं। गिव टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट, यानी आपको बताना होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं लाइक पॉलीथिन हो गई आपकी, जो डिग्रेड नहीं होती है, है ना, इसके लिए कई सारे लोग परेशान हैं, बहुत कचरा हो रहा है, तो ये इफेक्ट कैसे करती है ये आपको बताना है, दो तरीके बताने होंगे। एंड वाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 158 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, ओके, जो लोग बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप सभी समझते हैं कि ये सारे क्वेश्चन, ये देखिए स्टेप एजुकेशन आपके साइड से दिए गए हैं आपको, एंड सच बात ये है कि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके, तो आप धीरे धीरे करके इनको क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। ये क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम 2024 के क्वेश्चंस आपके लिए हाजिर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिए, 150 ही मान के चलिए कि आपको 150 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं, तो आप सोचिए ना कि 17 क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल सॉल्व करने के लिए, 23 आते हैं जो भी है, और इनमें से आपको 17 सॉल्व करने होंगे, 17 2 34, सीधी सी बात है 17 2 34 क्वेश्चंस आपके हैं। अरे यार 150 क्वेश्चन याद करके जाओगे क्या, क्वेश्चन नहीं आएगा कहाँ जाएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, और आपको भी पता है यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कोई टीचर बाहर से कहीं कुछ नहीं देने वाला है, सब कुछ यहीं है, सारा कुछ यहीं मिलेगा आपको। बने रहिए हमारे साथ, और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, ओके। स्टेप एजुकेशन हब आपके साथ हमेशा बना रहेगा। गुड बाय।
टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।